सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने लास्टली 10 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे सीएसआईआर 2021 जून का, जो रिसेंटली हुआ था। ठीक है, लास्ट सीएसआईआर का एग्जाम था। आज मैं फिर से थोड़े क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी सो दैट यू गेट सम आइडिया दैट एनटीए ने ऐसा पेपर पैटर्न चेंज किया है। जो पहला जो ट्रेंड चल रहा था, यूजीसी नेट का एग्जाम बोलो या सीएसआईआर नेट का एग्जाम बोलो, वो पेपर पैटर्न काफी चेंज हो चुका है। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्री एक्यूरेसी ऑफ द मोशन ऑफ द क्वांटम पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन। मतलब थ्री डायमेंशन में कौन सी दो क्वांटिटी आपस में साइमल्टेनियस मेजर नहीं हो सकती। पहला दिया है स्क्वायर ऑफ द रेडियल पोजिशन एंड जेड कॉम्पोनेट ऑफ एंगल, मतलब आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। अब देखो साइमल्टेनियसली मेजर हो रही है तो और या साइमल्टेनियसली मेजर नहीं हो रही, ये हम कैसे कर रहे हैं? ये हम कम्यूटेटर जब लगाते हैं दो ऑपरेटर्स में तब जाके पता चल जाता है इजीली। तो अगर ये कम्यूट कर रही है तो हम आपस में मेजर कर सकते हैं, अगर ये कम्यूट आपस में नहीं कर रही है तो हम नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, तो पहले क्या देखते हैं, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए हो सकता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और फिर एल जेड। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, वैसे तो ये दोनों कम्यूट करते हैं। ठीक है, फिजिकल टू जीरो होता है, फिर भी अगर आपको पता है मतलब अकेले अकेले कर एक्स का ही सिर्फ निकाल तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, याद रखना हो जाएगा एक्स स्क्वायर एल जेड प्लस वाई स्क्वायर एल जेड के साथ प्लस जेड स्क्वायर एल जेड के साथ। ठीक है, ऐसे फिर इसको अलग अलग खोलेंगे तो आपको पता है ये फिर हो जाए, ये नहीं होगा आंसर। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्स मोमेंटम पी एक्स और एल एक्स का, हम जानते हैं कि पी एक्स और एल एक्स कम्यूट करेंगे। ठीक है, कम्यूट करेंगे क्योंकि एक्चुअली जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बोलने कम्यूटेशन देखने के लिए, पी अल्फा एल अल्फा जो होता है क्या लगता है, वो लगता है तुम्हारा लेवल वाला हैबिटा वाला या साइक्लिक रोटेशन आई एच का अल्फा बीटा गामा और अल्फा। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब वाई एल वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड जेड कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब वाई और एल। ठीक है, अब देखो क्या ये कम्यूट करेंगे, चल में अभी इसी के हिसाब से बैठाना है। ठीक है, ये पी एक्स का एल एक्स का दो तो वर्क कर रहा था, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो ये एक्स और एल जेड आए, एक्स और एल जेड आए या। ठीक है, तो एक्स एल जेड का जो होता है क्या हो जाएगा, जीरो। कम्यूट करा पर ये कम्यूट नहीं करते हैं और ये हमें एक्चुअली मिलता है आई एच कट एक्स में, क्यों, क्योंकि हम बैठाते हैं एक्स अल्फा एल बीटा, जब कम्यूटेशन बैठाते हैं हमारे पास आई एच कर लेविक एबीटा अल्फा बीटा गामा एक्स गामा एक्स गामा। ठीक है, तो ये आपका एक नहीं करेगा, तो इसका आंसर एक्चुअली में ये है मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये भी कम्यूट कम्यूट करता है, सॉरी ये भी कम्यूट। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पार्टिकल इन वन डायमेंशन एग्जीक्यूट ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, ठीक है, ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है जिसकी पोटेंशियल ये दी हुई है, वेयर ये इतना हो गया एप्रोप्रिएट डायमेंशन, इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ द ऑक्सिलेशन डिपेंड्स अपॉन द टोटल एनर्जी ई ऑफ अल्फा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए पूछा है। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं कि ए जो है टोटल एनर्जी पर है। ठीक है, टोटल एनर्जी पर है, मतलब एक तो दिया क्या है v ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x। ठीक है, a ऑफ x मॉड, और हम जानते हैं कि ये एक्शन वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक एक्शन वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं। ठीक है, अब हम e को बोलेंगे टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, और ये क्या है
एक्शन वेरिएबल, ठीक है, एक्शन वेरिएबल, एक्शन वेरिएबल जे क्या होता है हम जानते हैं, क्लोज लूप इंटीग्रल पी डी एक्स होता है, ठीक है। और एक्स जो होता है टोटल एनर्जी के ई टू द पावर वन पर प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अच्छा अब जे का अगर प्रोपोर्शनलिटी इसके साथ देखें हम, मतलब जे का अगर ई में प्रोपोर्शनल, जब हम ई के वेरिएबल को इस यहाँ पे डालते हैं, जे का प्रोपोर्शनलिटी जो ई के साथ होता है वो 1/2 होता है, और एक्स की प्रोपोर्शनलिटी अभी 1 थी, ठीक है। तो हम इसका भी एक 1 यहाँ पर आएगा ना, ई टू द पावर 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जे इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 3/2, ठीक है। अब टाइम पीरियड देखते हैं, टाइम पीरियड जब हम एक्शन प्रिंसिपल में देखते हैं, टाइम पीरियड टी वो क्या होता है भाई, डेल्टा जे बाई डेल्टा ई होता है, तो हमें इससे टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड ई की पावर 1/2, वही तो हमें करना है, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1/2, मतलब हमारा ये ऑप्शन राइट है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट किसी स्पेस पे क्या दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है। साथ में और भी दिया है, स्पेस डिवॉइड एट एनी चेंज ऑफ करंट सोर्सेस। अब क्या बोला है, ए आई और बी आई जी क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब पहले हम मैट्रिक्स को लिखते हैं, क्या है ए आई, क्योंकि ए आई प्लस जी, ठीक है, और बी ऑफ आई जे एक्स जे है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या है, एक होता है ये जो हम बताएंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, स्पेस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, ओके। और इसमें ये जो कंपोनेंट्स है, ये कैसे कंपोनेंट है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, ठीक है। हमें यही पूछा है कि ये कितने होंगे। अब देखो ये जो मैट्रिक्स होगी, ये क्या सी मैट्रिक्स होगी, एक सिमेट्रिक और ट्रेसलेस मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो बी ऑफ आई जे जो है एक सिमेट्रिक एंड ट्रेसलेस मैट्रिक्स, और जब ये सिमेट्रिक और ट्रेसलेस होगी तो हम एक ऐसे मैट्रिक्स लिख लेते हैं भाई, क्या है, यहाँ पे क्यों लिख देते हैं, यहाँ पे सेट लिख, तो इसी का यहाँ पे करना पड़ेगा हमें यू वी, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स में हमारे पास ऐसे जाता है, ठीक है, डायगोनल वाइज, तो अगर मैं इसको डायगोनल वाइज लूँ तो मेरे पास देखो कैसे कंपोनेंट बचे हुए हैं, ये ऐसे बचा हुआ है और ये ऐसे, ठीक है, ट्रायंगुलर कंपोनेंट पहली बात, ठीक है। और जब ये ट्रेस हम कह रहे हैं कि ट्रेसलेस है, इसका मतलब क्या है कि टी आर ऑफ बी ऑफ आई जे करेंगे तो वो जीरो के बराबर है, ठीक है। और दूसरा अगर हम इसको सिमेट्रिक कह रहे हैं तो ये एक उसमें दूसरे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स क्या है, आपस में रिलेटेड है, ट्रेसलेस है तो हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू प्लस बी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो और U प्लस वी प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो दो कॉम्पोनेंट में इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, दो कॉम्पोनेंट इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट। आप कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं है कि यही दोनों, अब ये दोनों भी ले सकते हो, अब ये दोनों भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट ओवरऑल कंफ्यूजन क्या आ रहा है कि दो डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट। तो ऐसे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने हुए, यहाँ पर कितने हुए, कुल मिला के दोनों छः हो गए ना, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन भी आएगा, यहाँ पर ये रिलेशन भी आएगा, इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंसी की वजह से हमारा आंसर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर एलिमेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, ये फोर एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे और एक एलिमेंट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, ठीक है।
इसके हिसाब से देखा जाए तो फाइनली हमारे पास जो आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट वो फाइव फाइव बिल्कुल। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइन तो ये क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी मास 1 गीगा वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है अब क्या बोला है एंटी पार्ट एंड इट्स एंटी पार्टिकल बोथ मूविंग विद द सेम स्पीड प्रोड्यूसिंग न्यू पार्टिकल एक्स मास ठीक है इन अ हेड ऑन कॉलिजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस टू क्लोज इट्स अप्रोच क्लोज इट्स अप्रोच कर रहा है। ठीक है अब सोचो यहाँ पर कोई बड़ा सा पार्टिकल है। ठीक है अब यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसकी मास क्या है एम नॉट है इसकी मास क्या है एम नॉट है और ये है इसकी वेलोसिटी वी है ये यहाँ पर टक्कर। ठीक है जब ये हेड ऑन कॉलिजन कर रही है तो क्या है ये दोनों एक बड़ा सा पार्टिकल है बिग पार्टिकल। ठीक है पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल अब हम कह रहे हैं जब ये बिरा पार्टिकल बना रहा है इतना रेस्ट पे आ रहे। ठीक है तो हम ये कहेंगे कि पहले तो दोनों रेस्ट पे थे अब दोनों की स्पीड सेम है हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है फिर वो रेस्ट पे आ रही है तो रेस्ट मास इनका क्या हो जाएगा 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है अच्छा अब जब ऐसा हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा दोनों का प्लस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल 2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है जो कि 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है हाँ 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है इसलिए ये क्या हो जाएगा रेस्ट पे हो जाएगा इसलिए ये इस पे आ जाएगा। ठीक है अब कितनी एनर्जी मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गई माइनस कर दो सीधे सीधे तो 8 आ जाएगा। ठीक है इतनी मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब हम जानते हैं कि एम सी स्क्वायर जो होगा फाइनली वो क्या होगा दो छोटों का प्लस होगा। जब ये दो छोटों का प्लस होगा तो ये दो छोटे क्या करेंगे 2m0 वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं क्यों क्योंकि एक तरफ क्या हो जाएगा 10 गेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू गेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन ये तुम्हारा रहता है अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है प्लस फिर से गेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 गेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा तो फाइनली हम क्या मिलेगा हमें फाइनली हमें मिलेगा 1 अप माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 2 बाई 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन। इससे हमें क्या मिलेगा भाई वी इज इक्वल टू देखो मिल जाएगा जो मैंने इसको सॉल्व किया है ऐसा हो जाएगा बिकॉज क्यों 1 अपॉन वी इसको मैंने इसको इज इक्वल टू जो माइनस जाएगा तो 1 अपॉन 25 आएगी 25 फिर से 1 माइनस 1 अपॉन 25 आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है तो ऐसे सॉल्व करके आ जाएगा अब लेकिन ये जो हुआ वो इंटू 2 होगा तो फाइनली जो हमारा बी आएगा वो आएगा 0.979c या हम लिख सकते हैं आंसर के अनुसार कि 0.98c ये होगा आपका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है कि बोल रहा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि सोर्स जो है एक रेडिएशन एमिट कर रही है कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जिसकी वेलोसिटी वी है अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ए इज मूविंग टूवर्ड्स अनदर ऑब्जर्वर बी एक से तो दूर जा रही है लेकिन दूसरे से क्या है पास जा रही है अलॉन्ग अ लाइन जॉइनिंग द टू। ठीक है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिकॉर्डेड बाय ए एंड बी आर वी ए एंड वी बी तो इनका रेशियो दिया हुआ है तो वी बाई सी क्या होगा। ठीक है चलो निकालते हैं
तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई सोर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई सोर्स होगा जो कि एक फ्रीक्वेंसी पर कहीं पे जा रही है, लेकिन वो बी के पास करीब जा रही है और ए से वो दूर जा रही है, ए से वो दूर जा रही है, ठीक है। तो अगर ये एफ नॉट से आ रही है तो यहाँ पे एफ बी हो जाएगा और ये एमिटिंग है, एमिटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा मटेरियल है इसके पास जा रही है, कहाँ से आ रही है भाई, ए से आ रही है, ए के पास क्या है, एफ ए हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होगी एक लाइन ज्वाइनिंग में हो। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं क्या कह रही हूँ कि अगर ये दूर जा रहा है एक ही, तो यहाँ पर देखो दो फ्रीक्वेंसी हो गई ना, दो फ्रीक्वेंसी हो गई, जो कि एक फ्रीक्वेंसी वो है जो कि ए के पास है, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी बी के पास होगी जो कि रिसीविंग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, रिलेटिविस्टिक ड्रॉपलर इफेक्ट यूज करेंगे, रिलेटिविस्टिक ड्रॉपलर इफेक्ट, ओके, रिलेटिविस्टिक ड्रॉपलर इफेक्ट यूज करेंगे, जाएगा भाई। ये कहेगा कि एफ ए जो है वो क्या आ जाएगा, एफ नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी बाई सी अपॉन 1 प्लस बी बाई सी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा भैया, एफ नॉट सी माइनस वी एंड फिर सी माइनस वी हो गया और यहाँ पे सी प्लस बी हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा भाई, बी ए के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एफ ऑफ बी, वो क्या हो जाएगा, एफ नॉट सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी, जो कि बी के बराबर, एक के पास दूर जा रहा है, एक के पास पास है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये बात कि आपका बी बी बाई बी ए का रेशियो निकालो, ठीक है ना, बी बी ना, बी बाई बी ए का रेशियो निकाल, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस बी सी माइनस बी अपॉन सी माइनस बी सी प्लस बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, हम सॉल्व करेंगे जब सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी इक्वल टू 7, ठीक है, जो कि हमारा दिया है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन से, तो 8b इक्वल टू 6c, सी फाइव और बी बाई सी इज इक्वल टू 8 बाई 6, इसमें प्लस है 3/4 हो जाएगा, डाल दो वही से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक पार्टिकल है जो कि स्पीड बी से फ्रॉम द अर्थ सर्फ, पार्टिकल थ्रोन विद द स्पीड बी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस अटेन अ मैक्सिमम हाइट एच, ठीक है, अर्थ के जो सर्फेस है उससे एच हाइट पर अटेन किया है, ठीक है, एच हाइट पर अटेन किया है, वी इज द हाफ द स्केप वेलोसिटी एंड आर डिनोट्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, दो की वैल्यू दे दी है, जो कि वी वेलोसिटी छोड़ोगे तो उसकी वैल्यू दे दी और आर को बोला गया है क्या, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अरेंज कर रही है, तो जो जो वी होगा वी स्केप वेलोसिटी की हाफ होगी, ठीक है। और तो ये क्या होती है भाई, 2gr/2 होगा, या अंडर रूट हम लिख सकते हैं, जी आर हो गया या वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं कहूंगी कि जब ये चीज हो रही है तो हम कह सकते हैं क्या कि जिस एनर्जी प्लस उसकी वेलोसिटी फिजिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ई बी प्लस वी बी, ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं इसे कहूँ काइनेटिक एनर्जी और इसे मैं कहूँ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी इधर, टोटल एनर्जी उधर, दोनों
इक्वल होगी समेशन का, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r इज इक्वल टू 0 माइनस gmm अपॉन r प्लस h। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 mv स्क्वायर तो ये क्या, और इधर क्या आ जाएगा भाई, ये 0 होगा ना, ये तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे जगह अटेंड कर ले रही है। ठीक है, तो gmm अपॉन r माइनस gmm अपॉन r प्लस h। ठीक है, तो याद करो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, वो स्केप वेलोसिटी वाला, स्केप वेलोसिटी वाला पुट करेंगे तो 1/2 m वेलोसिटी ऑफ स्केप डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू gmm, अगर लेके आओ 1/r माइनस 1/r प्लस, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे तो देखो अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, जो स्केप वेलोसिटी है, स्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी 2gm। मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँ तो ये यहाँ से कम है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अलजेब्रा प्रॉब्लम मत करते, इसी से आपका मिल जाएगा क्या, एच बाई आर की रेशियो 1/3 मिल जाएगी, एच बाई आर की रेशियो 1/3 मिल जाएगी। और हम एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हम लोग कभी भी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट जो है जो एच है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर जा ही नहीं रही है, बहुत छोटी। ठीक है, इसलिए हम दोनों को कभी नहीं लिख सकते 1/2 mv² ऐसा हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये पता है इतना इजी क्वेश्चन कभी सीएसआर में आता नहीं है, पर उसने इस बार दिया है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द टॉपिक, तो जिसने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है वो इजीली सॉल्व कर दिया है एट इंस्टेंट। एक्चुअली ये सब ना वैसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चों को नंबर दिला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब टफेस्ट क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन तो बच्चा एक बार में सबको ही पता होता है, ये रैंकिंग या नंबरिंग क्वेश्चन है। अ पार्टिकल है जिसकी मास दी हुई है एक डायमेंशन में इनफाइनाइट पोटेंशियल, जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, उसका दिया हुआ है एम, जबकि बोला है कि व्हेन इट इज इन आइगन एनर्जी आइगन स्टेट इन लेवल बाय 1 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इतना इज 1/8 द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच इज पॉसिबल। हम देखो हम जानते हैं कि एक जो इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है 0 से एल का, अब जब 0 से L का इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो हम जानते हैं इसका वेव फंक्शन जानते हैं क्या होता है भाई, इसका वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2L साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई। ठीक है, ये होता है, तो इसमें बोला है कि ये जब वो L by 8 है, मतलब इसका इतना पार्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8 है। तो पूछा है कि यहाँ पर कितनी मिनिमम वैल्यू इनकी ले सकता है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है पहले उसको लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वेव फंक्शन उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई फिर इंटीग्रेशन जो लिमिट में चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी यहाँ पर x में जब वो L by 8 रहेगी, ठीक है, क्या हो जाएगी भाई, एक i by है नहीं तो वो सीधा सा स्क्वायर लेंगे हम लोग, ठीक है, साइन n by x by L स्क्वायर इधर हो जाएगा dx हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से L by 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बाहर निकाल लो 2/L 0 से L by 8 साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एन cos, क्या हो जाएगा यहाँ पे वो cos वाला फॉर्मूला पुट करो 1 माइनस cos वाला जो साइन स्क्वायर है अपॉन 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2/L इंटू 2 बाहर निकाल लो, ठीक है, और 0 से L by 8 कर लो 1 कर लो 1 माइनस cos 2 एन 2x होता है ना पाई एक्स बाई एन।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एल एक्स माइनस साइन 2 एन पाई एक्स बाई एन डिवाइडेड बाई, सिर्फ साइन का डिवाइड है, 2 एन पाई बाई एल, लिमिट लगाएंगे 0 से L/8। ठीक है, तो फाइनली ये लिमिट कितने के बराबर हमें चाहिए, 1/8 के बराबर। इसको खोल देंगे हम लोग, यहाँ पे खोल लेंगे हम लोग, तो खोलने के बाद सारी चीजें करने पर देखिए क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन L साइन ऑफ पाई बाई 4, खोल देंगे ना, L/8 डाल के पाई बाई 4, ठीक, और डिवाइडेड बाई 2 एन पाई बाई एल। ओके, ये आ गया। अब ये 1/8 के बराबर है, तो ये 1/8, तो ये और ये कट जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई ये चीज कब आए, ये चीज कब आए, ठीक है, एन पाई बाई ये चीज कब आए, तो ये चीज कब आएगी, ये चीज तब आएगी जब हम जीरो कर रहे हैं, तो एन की कितनी पर जीरो आएगी, एन के कितने पर जीरो आएगी, 4, 8, 12 ऐसे करके जीरो आएगी ना। क्या मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि एस हमें क्या लाना है, साइन एन पाई बाई 2 इज इक्वल टू जीरो लाना, ये क्वांटिटी कब जीरो आएगी, एन इज इक्वल टू 4, 8, 12 ऐसे क्वांटिटीज पे जीरो आएगी ना। मिनिमम क्या हो गया, एन इज इक्वल टू 4 मिनिमम हो गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब क्या बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर नॉन रिलेविस्टिक न्यूट्रॉन की वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम, टाइम दिया हुआ है 50 नैनोसेकंड, ठीक है, और बोला है कि इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू डिटेक्टर टू कीप अ डिस्टेंस एल, तो इतना डिस्टेंस है। Assume that the error in measurement L is negligibly small. If we want to estimate the kinetic energy T of the neutron within the 5% of accuracy, that is this one, accuracy, the maximum permissible error delta T of measuring time of the flight to nearest. अब क्या कह रहा है भाई, ये जो source है ना, ये जो source है, source, ये क्या है, detector के पास पहुंच रहा है, ठीक है, उसी लाइन में जिसकी लेंथ एल हो गई, टाइम इसने ले लिया है टी, ठीक है, ये हो गया दोनों, और जो वेलोसिटी है, अब देखो टाइम भी दे दिया है टी, हमारा नैनो सेकंड में लेंथ दे दी है ये, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एल बाई टी, टी क्या हो जाएगा भाई, 50 नैनो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि तुम्हारा एरर डेल्टा टी बाई टी दिया हुआ है less than equal to 0.05। अब हमें यही करना है, काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है, तो हम लोग देखो जब ग्रेजुएशन का फर्स्ट प्रैक्टिकल जाता है, तो सबसे पहले टीचर फर्स्ट से हम लोग बताता है कैसे एरर एनालिसिस, ठीक है, तो वो एरर एनालिसिस आपको यहाँ पे काम आ, ठीक है, एंड वी आर ऑल्सो ग्रेजुएटिंग, आवर टीचर्स ऑल्सो मेक अस लर्न द फर्स्ट डे ऑफ द प्रैक्टिकल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा निकालेंगे, और काइनेटिक एनर्जी का जब हम करेंगे, तब जाके जो ये क्वांटिटी आएगी वो होगी हमारे जीरो, यही हमारे पास है। अब इसमें सारी चीजें पुट कर लो, 1/2 mv² इसी का निकालना है डेल अपॉन 1/2 mv², तो लेस देन इक्वल टू 0.0, तो ये इसका डेल का हम तो वहां से कांस्टेंट क्वांटिटी इसको बाहर निकालो भाई, 2v डेल v अपॉन 1/2 mv², ठीक है, लेस देन 0.0। बस इसको सॉल्व करते जाओ, तो हमारे पास डेल वी बाई वी क्या आ जाएगा, लेस देन 0.05 बाई 2। तो यहाँ से हम डेल्टा टी कर लेंगे, डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई, ये हम अप्रोक्सीमेटली ये भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी इसका हो जाएगा, एक्स बाई वी का हो जाएगा ना, एक्स बाई वी का हो जाएगा, तो अगर हम एल करें, एल कर एल पर देखना चाहे एट एल एक्स इज इक्वल एल पर, तो क्या हो जाएगा भाई,
हम देख लेंगे कि डी ऑफ एल बाई बी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी टू द पावर माइनस वन अपॉन बी टू द पावर माइनस। इतना तो बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसमें हम लोग को वैल्यूज पुट करनी। अब इसका निकालो, डिफरेंशिएशन निकालो, अलग से करते हैं। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो माइनस वन आ जाएगा, वी टू का माइनस वन है टू आ जाएगा, वी टू का माइनस वन डी वी आ जाएगी, जो कि क्या है कि मोड ऑफ डी वी बाई वी, जो कि लेस देन इक्वल टू होगा 0.05 बाई टू, ठीक है। अब दोनों का जब देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टी बाई टी का मोड इज लेस देन इक्वल टू 0.05 बाई टू, तो इससे डेल्टा टी क्या आ जाएगी, 0.05 बाई टू इंटू टी आ जाएगी। तो डेल्टा टी क्या आ जाएगी भाई, 50 नैनो सेकंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.25, ठीक है। यहाँ तक 50 नैनो सेकंड से मल्टीप्लाई कर, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लो। द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ स्फेरिकल कैविटी फिल्ड विद अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर वी और 300। वी जब होगा तो 300 रहेगा उसका टेम्परेचर, और अगर इसको हम एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं वॉल्यूम टू वी पे, तब उसका टेम्परेचर क्या होगा। देखो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो फोटोन की बात चल रही है, ठीक है। तो फोटोन को हम एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन के समय सबसे पहले यही जानते हैं कि पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पहली चीज। तो अब यहाँ पे देखो, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास, और दूसरी चीज हमारे पास रिलेशन टी और वी का है, रिलेशन गिवन क्या है टीवी का, रिलेशनशिप गिवन क्या है वो टीवी का है, टीवी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास कांस्टेंट टीवी गामा माइनस वन हो जाएगा। ये सारी चीजें आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, एग्जाम की जब तैयारी करते हो, हम लोग बच्चों को बहुत बेसिक सा, तो वही आपको उठा के दे दिया गया। तो हमने कहा है कि वी वन जो है वो वी है और वी टू जो है टू, ठीक है। अगर हम n इज इक्वल टू वन ले लें तो पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। तो देखो, जब ये चीज कांस्टेंट आ रही है तो ये डायरेक्टली इम्प्लॉयज क्या कर रही है, डायरेक्टली इम्प्लॉय कर रही है कि टी वन वी वन गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि टी टू जो होगा वी वन अपॉन वी टू गामा माइनस वन टी वन, यही निकाल। अब देखो, गामा की वैल्यू आपके नोट्स में आप चेक करेंगे जब ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम रिलेटिविस्टिक केस लेते हैं, रिलेटिविस्टिक लेते हैं तो गामा की वैल्यू 4/3 पुट करते हैं, और जब हम नॉन रिलेटिविस्टिक लेते हैं, तब गामा की वैल्यू हम 5/3 पुट करते हैं, 5/3 पुट करते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही है रिलेटिविस्टिक केस की बात चल रही है भैया, फोटोन की बात चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात किसकी चल रही है, फोटोन की, ब्लैक बॉडी यानी फोटोन की बात चल रही है, फोटोन की, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, रिलेटिविस्टिक लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे गामा की वैल्यू 4/3 लेंगे, जब हम 4/3 लेंगे तो इसको बैठा दो, गामा इज इक्वल टू 4/3, तो हम देखेंगे क्या, पी टू जो होगा वो वी बाई टू वी हो जाएगा, क्योंकि तो गामा माइनस वन, गामा माइनस वन है 4/3 माइनस इंटू टी वन, और टी वन है हमारा 300 केल्विन, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, सर का तो 1/3 हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्लास्टिक के टी टू इज इक्वल टू 1/2 पावर 1/3 इंटू 300। तो अप्रॉक्सीमेटली टी टू की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 300 टू द पावर 2 पावर 1/3 अप्रॉक्सीमेटली 238.11। देख लो भाई, यही है सबसे क्लोज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला कि सी पी बाई सी वी का रेशियो दिया हुआ है, हीट कॉन्स्टेंट्स है प्रेशर और वॉल्यूम पे, ऑफ मोनो एटोमिक आइडियल गैस इन टू डायमेंशन। याद रहे दो चीज इंपॉर्टेंट है, मोनो एटोमिक इंपॉर्टेंट है और टू डायमेंशन है। इसका मतलब हम लोग जब देखो नोट्स में या सी पी बाई सी वी देखते हैं, क्लासे में भी डिस्कस कर लिया है एक बार, लास्ट मोमेंट रिवीजन पर हमने डिस्कस किया था कि सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा, ठीक है।
और यही होता है क्या, 1 + 2 / f. f बोलता है कितने डायमेंशंस का हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 डायमेंशंस का ले रहे हैं, तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2/2 इज इक्वल टू 1 + 1. तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2. इतना ही था ये क्वेश्चन. ओके देखो ये एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है. क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन मोड्स जो है सॉलिड में वो वॉल्यूम वी पर वो इतने है. तो ओमेगा डी मतलब डिवाइड की बात कर रही है, डिवाइड फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है. इज द नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल ओमेगा डी, फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ मोड्स इज इतना. ठीक है अब क्या बोला है कि इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज डबल इन द फेज ट्रांजिशन डिवाइड टेम्परेचर क्या और बोला है कि चीजें हमें कुछ चीजें सेम रखनी है और वॉल्यूम उसने बोला कि मेंटेन्ड है. देखो फोटोन मोड्स इतना कांस्टेंट सॉलिड तो हम कैसे कर सकते हैं भाई ना. यहाँ पे क्या बोला है भाई, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द सॉलिड वॉल्यूम वी इज अ प्रिमिटिव नंबर. ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें वॉल्यूम है वी दिया हुआ है, उसमें डेंसिटी डबल हो जाए, उसमें डेंसिटी डबल हो जाए. तो पहली बात तो हमें दिया है कि जी ऑफ ओमेगा क्या दिया हुआ है, ए वी ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ. अब हम देखो एन जो है प्रिमिटिव नंबर्स जो सेल्स हैं उसके नंबर नंबर है, तो एन को बोल अगर हम लोग टू एन करना चाहें, टू एन कर दें मतलब डबल हो जा रही है इसकी डेंसिटी, तो तभी डबल होगी. मतलब क्या कि हम लोग प्रिमिटिव सेल्स की संख्या को डबल कर दें अगर, तो हो जाएगा मेरा काम पूरा. क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है कि डेंसिटी डबल. तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा भाई, इनिशियल स्टेट में ये था 0 से लेके ओमेगा डी और जी ओमेगा डी ओमेगा. ठीक है जो भी 3n के बराबर है, तो ये इसको खोलते हैं थोड़ा बहुत, इसको थोड़ा बहुत खोलते हैं. ए वी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू 3n, तो खोल के देखो भैया और ओमेगा 2 आ जाएगी. 0 से लेके ओमेगा डी तक इसको करवाना है. प्रोपोर्शनल किसके होगी भाई, एन वी के प्रोपोर्शनल होगी, जिसे हम लोग रो कहते हैं, डेंसिटी कह रहे हैं. अगर ये डेंसिटी बढ़ रही है मतलब रो जो है 2 रो हो रहा है, मतलब जो नया रो है न्यू रो जिसे हम कहेंगे वो क्या हो जाए, ओल्ड रो का. ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अब वी डी क्या हो जाएगी, तो वी डी क्या किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 2 रो के तो पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी. भैया 1 क्यूब आया है ना यहाँ पे, क्यूब वाला फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगी. इसका मतलब क्या है कि ये प्रोपोर्शनल तो हो गई लेकिन 1/3 और साथ है ओल्ड वाली के 1/3, ओल्ड वाली में इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एक्स्ट्रा टर्म क्या है, एक्स्ट्रा टर्म ये है एक्स्ट्रा टर्म. जब ये हमारा एक्स्ट्रा टर्म है तो इसका मतलब क्या है भाई, इसकी वैल्यू लगभग 2 की पावर 1/3 जो होती है वो लगभग आती है आपकी 1/3. ठीक है तो जब ये हो गई तो यही ज़्यादा बढ़ रही है ना, यही तो क्वान्टिटी ज़्यादा आ रही है. और जब यही क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, देख लो भैया यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, इंक्रीज हो रहा, तो ये ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैथमेटिकल का है. ये बोला कि अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स जो है कितने वैल्यूज की सेट ले रहा है, -1, 0, 1, 2. ठीक है कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है रैंडम वेरिएबल v इज इक्वल टू x इसके अकॉर्डिंग देख. चलो भैया पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको सजा ले जो हम लोग सजाते हैं. x जो है वो क्या है, -1, 0, 1. ठीक है प्रोबेबिलिटी हर एक की दी हुई है भाई, क्या है, एक है 3/10, 2/10, फिर 2/10 और फिर 3/10. सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. दिया क्या है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसके हिसाब से निकाल. ठीक है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, अब जब इसके हिसाब से निकाले तो ये क्या आ जाएगी भाई, हमारी y आ जाएगी. ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो
2/10 है, 2/10 है और दो चीज सेम सेम है, 2/10। सेकंड ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, दी हुई प्रोबेबिलिटी ऐसे है, अकॉर्डिंग हो नहीं रही थी, सॉल्व करते हैं बिना आपका पता अच्छा। तो ये होगा Px, हम लिख देंगे जो दिया हुआ है, जो फंक्शन है वो इस टाइप का है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये होगा आंसर, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में मतलब जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो जिसे थॉमसन मेथड वाला हो रहा है, जिसमें ई बाई एम का रेशियो फाइंड आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें क्या है, द वैल्यूज ऑफ द डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल एक्सिलेटिंग पोटेंशियल दिया गया है वो दोनों मैग्नीट्यूड दी हुई है। अब बोला क्या है कि हमें क्लोजेस्ट अप्रोच देखना है और हमें साथ में जीरो डिफ्लेक्शन भी देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखो जितना डिफ्लेक्शन वगैरह देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा पास पहुंच जाता है तो वहां पे वहां से मुड़ जाता है, राइट, बहुत ज्यादा पास पहुंचता है तो वहां से मुड़ जाता है। तो ये डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्लोजेस्ट अप्रोच होती क्या है, राइट। तो ये आपका क्लियर है कि क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हुआ। अब उसने क्या दिया है कि जीरो डिफ्लेक्शन, अब जीरो डिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे ई बाई एम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे जो फोर्स इस्तेमाल करेंगे वो है लॉरेंज फोर्स, राइट, लॉरेंज फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जब लॉरेंज फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होता है भाई, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब जीरो डिफ्लेक्शन है इसका मतलब दोनों जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो जीरो के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो हमें ई की जो वैल्यू मिली है वो है वी क्रॉस बी, E की जो वैल्यू मिली है वो हमें B क्रॉस B मिली है। यहाँ अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखना चाहे तो B जो निकला है वो क्या हो गया है, वो E बाई बी हो गया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि जब ये हो गया तो अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर के बराबर होगा, और काइनेटिक एनर्जी तो क्यू है जो कि मैक्सिमम वाले पे पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे वी की जगह पे हम ई बाई वी पुट कर देते तो 1/2 एम ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर तो क्यू बी दिया हुआ है, सॉरी क्यू बी दिया हुआ है, तो क्यू और बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसको बस सारी वैल्यूज पुट कर दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई जो इलेक्ट्रॉन की मास है वो ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होगी इंटू 150। बस सारी चीजें इसमें पुट कर देते हैं अपन, 9.1 × 10⁻³⁻¹ इंटू 6 × 10⁻⁶ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू 150। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो बी की जो वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज बी कैलकुलेटर आप यूज करके वहां पे आराम से देख सकते हो, 0.88 आएगी। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास टू स्टेट सिस्टम है, ठीक है, जो कि हैमिल्टोनियन से इवॉल्व होके ऐसा आ रहा है, ठीक, ए और बी दो स्टेट्स है, एक स्टेट है और बी एक स्टेट है। नाउ बोला है कि पेरिटी ऑपरेटर जब ए पर लगाएंगे तो वो बी देगा और बी पर जब लगाएंगे तो वो ए देगा। अब जब इफ एट टाइम टी, ये इंपॉर्टेंट है, इफ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ डेफिनेट पेरिटी पी इज इक्वल टू वन, ठीक है, डेफिनेट पेरिटी पी इज इक्वल टू वन पर एग्जिस्ट कर रही है। तो द अर्लिएस्ट टाइम टी एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्टेट एट पेरिटी माइनस वन, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जहां पर उसकी पेरिटी माइनस वन है, ठीक है। तो हमारे पास हैमिल्टोनियन वाला क्या सिस्टम है, हमारे पास हैमिल्टोनियन दिया हुआ है H इज इक्वल टू ई नॉट ए ए प्लस ई नॉट प्लस डेल जो कि B पर लग रही है, ठीक है, जो कि B पर लग रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये A की है और ये B की है एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी हैमिल्टोनियन बनाएंगे हम, तो एनर्जी हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा भाई, ई जीरो जीरो और ई नॉट प्लस डेल, ठीक है, ये हमारी एनर्जी हैमिल्टोनियन हो गई। हम कहेंगे कि ई ए की जो वैल्यू है वो ई नॉट है और ई बी की जो वैल्यू है वो ई नॉट प्लस डेल है, फाइन हो गया।
अब हम लोग एक और चीज जानते हैं कि पेरिटी जब ऑपरेटर बी पे लगाएंगे और ए पे लगाएंगे तो ऑपोजिट पेरिटीज मिलेंगी हमें। तो फाइन, चलो सबसे पहले तो हम एक अननॉर्मलाइज्ड नॉन नॉर्मलाइज्ड अगर वेव फंक्शन लिखे ए और बी का, तो साई ऑफ एक्स टी अगर लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट सी वन ए के साथ लगेगा, प्लस सी टू लिखो, डी लिखो, कुछ भी लिख दो चलेगा अपना, तो ये नॉर्मलाइज नहीं है। पर जब हम उसको इतना प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पे और वैसी बात है 1/2 आ जाता है, राइट। तो नॉर्मलाइज जो होगा दो पार्टिकल के क्या हो गए, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर टू पार्टिकल हो जाएगी 1/√2 ए प्लस 1/√2 बी, ठीक है, 1/√2 बी होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साई के ऊपर जब हम पेरिटी ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, तो हमें इवन पेरिटी मिल रही है, जहां पर इसका मतलब हो रहा है कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब p इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0 पर लगा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग टाइम t इज इक्वल टू 0 वाला पर लिखते हैं, तो t वाले 0 पे जब हम लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन है जब हम पेरिटी ऑपरेटर साई पर लगाएंगे, और साई पर कब लगाएंगे, x 0 पर लगाएंगे, ठीक है, साई पर x 0 पर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/√2, कोई चेंजमेंट नहीं है, तो इसका मतलब पेरिटी a पर लगा दो प्लस 1/√2 पेरिटी b पर लगा दो तो वापस वही सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब पेरिटी ऑपरेटर जब हम साई पर लगा रहे हैं, साई पर लगा रहे हैं तो हमें 1/√2 b 1/√2 a मिलता है। इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसको इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं टी पर, तब उस टाइप का इक्वेशन लेंगे, तो हम एक न्यू फाइल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्या करेंगे भाई, अब हम टाइम एवोल्यूशन कर रहे हैं, टाइम एवोल्यूशन का वेव फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो टाइम एवोल्यूशन का वेव फंक्शन क्या होगा, साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 ए टू द पावर माइनस ई नॉट टी अपॉन एच कट प्लस 1/√2 बी ई टू द पावर माइनस आई ई नॉट प्लस डेल अपॉन एच कट साथ में टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 ई टू द पावर माइनस आई ई नॉट टी बाई एच कट पेरिटी ऑपरेटर ऑन ए प्लस 1/√2 ई टू द पावर माइनस आई ई नॉट प्लस डेल t upon h कर पेरिटी ऑपरेटर अप्लाइड ऑन b, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, व्हाट आई विल गेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 1/√2 e टू द पावर माइनस i, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो भाई, h कट कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसके पास b वाला बचेगा स्टेट, और इसके पास बचेगा i t del अपॉन एच कट माइनस आई नहीं है इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2 ई टू द पावर माइनस आई ई नॉट टी अपॉन एच कट, ठीक है, माइनस 1/√2 ए ई टू द पावर Thank you.